दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इसरो से रिलेटेड, जिन्होंने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया है अपना रिटर्न फ्रॉम मून टू द अर्थ ऑर्बिट। और यहाँ पर बेसिकली जो रिटर्न हुआ है ऑर्बिट का, वो प्रोपल्शन मॉड्यूल ने किया है जो कि चंद्रयान 3 को लेकर गया था अर्थ के ऑर्बिट से मून के ऑर्बिट तक। और अभी यही प्रोपल्शन मॉड्यूल मून के ऑर्बिट से फिर से अर्थ के ऑर्बिट पे आ गया है। तो दोस्तों वैसे इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हो रही थी, बहुत क्वाइटली जगह पे हमें इस चीज के बारे में पता चला था कि इसरो इसके ऊपर प्लान कर रहा है, लेकिन एकदम सिंपली आर्टिकल ड्रॉप किया गया है इसरो की वेबसाइट के ऊपर, जिसके ऊपर कहा गया है कि सक्सेसफुली इस काम को उन्होंने अंजाम दिया है। दोस्तों ये सुनने में वैसी बड़ी खबर नहीं लगती, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि एक जो प्राइमरी मिशन होता है, हमें कोई चीज अगर मून पे ले जानी है और उसके बाद में वापस अर्थ पे ले आनी है, तो उसके लिए इसरो ने काइंड ऑफ बेसिक कैपेबिलिटीज प्रेजेंट कर दी है। बहुत ही कम देश है पूरे के पूरे दुनिया के अंदर जो कोई चीज चांद तक भेज के उसको वापस भी अर्थ के ऑर्बिट तक ले आ सकते हैं। मून तक जाना फिर भी कहीं ना कहीं पर कैपेबिलिटीज अवेलेबल है दुनिया के कई देशों के अंदर, लेकिन अभी मून के ऑर्बिट से अर्थ के ऑर्बिट तक उस चीज को वापस ले आना, ये उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट बात है। और ये कर लिया है हमारे इसरो ने, और बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से बिना हंगामा किए इन्होंने इस चीज की अनाउंसमेंट की है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वह सिंगापुर बेस्ड यूनिवर्सल सक्सेस से रिलेटेड, जिन्होंने कहा वो इन्वेस्ट करेंगे 2,000 करोड़ रुपए एक स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा सेंटर बनाने के लिए बंगाल सिलिकॉन वैली के अंदर, जो बेसिकली न्यू टाउन एरिया में बनेगा। तो जो यूएसईएल के चेयरमैन है उनके द्वारा अनाउंसमेंट की गई, एमओयू एक साइन किया गया है और बेसिकली 4 से 5 साल में सोचे को कंप्लीट किया जाएगा। ये इसके वजह से पॉसिबल कराएगा जो अलग अलग यूनिवर्सल के डेटाज है और जो उनके काम होते हैं, स्पेशली अगर हम बेसिकली बात करें तो ये जो कंपनी है ये डेटा सेंटर्स आईटी रिलेटेड चीजों के अंदर ही डील करती है, और इन्होंने कहा है कि वो यहां पर बहुत बड़ी उम्मीद रखते हैं। वैसे दोस्तों ये जो एरिया है यहाँ पर यूएसएल ने ऑलरेडी 1.6 लाख स्क्वायर फीट ऑफ रियल एस्टेट डेवलप की है और 35 लाख स्क्वायर फीट का एक लॉजिस्टिक पार्क भी बनाया था, तो ये उनके लिए एक नया टेरिटरी नहीं है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो फिर से बंगाल गवर्नमेंट से, जीरो ने कहा कि वो उम्मीद रखते हैं 10,000 करोड़ रुपए अट्रैक्ट करने की उनके स्टेट्स इंटरनेट केबल लैंडिंग पॉलिसी 2023 के अंतर्गत। बेसिकली यहाँ पर ये जो पॉलिसी है इसका एम ये है कि एक सबमरीन केबल यानी जो समुद्र के अंदर से केबल आती है वो कलकत्ता तक बिछाई जाए, जिसके बाद में जो है गूगल माइक्रोसॉफ्ट एमेजॉन ये कई ऐसी बड़ी कंपनीज है जो डेटा सेंटर्स के लिए इन चीजों के नीड को समझते हैं और इनको फिर बनाया जा सकेगा इसी कोस्टल रीजंस के अंदर। यहां पर ये केबल ऑब्वियसली महंगी होती है, गवर्नमेंट इसके ऊपर काम करेगी और साथ साथ ऐसा भी प्रपोजल दिया गया है कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट अगर कोई बड़ी कंपनी बनाती है तो उनको 100% एग्जेम्पशन दिया जाएगा स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन के ऊपर उनके किसी भी फिजिकल इंफ्रा पे। तो यहां पर बड़ी बात यह है, अगर चीजें सही जाती है, गवर्नमेंट जो चीजें सक्सेसफुली करती है, तो हमें ये कंपनी सेटअप होते हुए नजर आएगी ईस्टर्न इंडिया के अंदर भी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जिन्होंने कहा कि वो रिजॉल्व करेंगे इश्यूज एटलांटिक पोजीशन रिलेटेड, और जो अपग्रेडेशन चल रहा है 3.2 किलोमीटर लंबे रोड का हीरो होंडा चौक और उमंग भारद्वाज चौक के बीच में, इसको वो कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों वैसे 5 एकड़ जमीन ऐसी थी जो यहां पर एक्वायर नहीं हो पा रही थी कई रीजंस की वजह से, और पावर स्टेशन को शिफ्ट करना था, मेन बात थी एंक्रोचमेंट्स को रिमूव करने की, ये चीजें नहीं हो पा रही थी। लेकिन अभी जीएमएटी के ऑफिशियल्स ने कहा है कि वो ट्रांसफर कर देंगे लैंड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जो इस अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट को अंजाम देंगे, और एनएचएआई ज्यादा पावर रखती है, एनएचएआई जो है ज्यादा बेहतर तरीके से एग्जीक्यूशन जानती है इन प्रोजेक्ट्स का, जो प्रोबेबली यहां पर बेहतर तरीके से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएगी। वैसे ये जो रोड है ये हैवी ट्रैफिक और फ्रीक्वेंट जैम्स के लिए जाना जाता है, तो काफी जरूरी भी ये रोड इस एरिया की बेहतरी के लिए। अगली खबर दोस्तों जारी हुई फिर से कोलकाता से, जहां पर पैसेंजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए न्यूली बिल्ट महाकरण मेट्रो स्टेशन जो है इसको अनवील किया गया है कुछ फोटोज के जरिए। ऑब्वियसली पब्लिक के लिए ओपन नहीं हुआ है, मेट्रो लाइन ग्रीन या जो ईस्ट वेस्ट मेट्रो है कोलकाता की उसके अंतर्गत ये आने वाला स्टेशन है। इसके जो फोटोज वगैरह वो हमें देखने मिले हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी यहाँ पर देखने को मिली है जो कन्वीनियंस और कंफर्ट को रीडिफाइन करेगा ट्रैवलर्स के लिए, और ऑब्वियसली ये नई लाइन के लिए इंपॉर्टेंट स्टेशन होगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है नोएडा से, जहां पर जो एम्बिशियस मेट्रो प्लान है यहाँ के बेसिकली मेट्रो के एक्सपांशन के लिए, उसको थोड़ी तेजी मिलती हुई नजर आ रही है। तो प्लान जो है वो है सेक्टर 142 से लेकर बोटानिकल गार्डन तक बनाने की मेट्रो लाइन एक्सटेंशन, और जो लोकल अथॉरिटीज है उनको परमिशन के लिए प्लान्स को भेज दिया गया, यानी प्लान्स रेडी है। अब जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की, उसके दौरान इन प्रिंसिपल अप्रूवल इस प्रोजेक्ट को दिया जाएगा, जिसके बाद में डीपीआर वगैरह काम शुरू हो सकता है। इन टर्म्स ऑफ रियल एप्लीकेबिलिटी बेसिस अलग अलग तरीके की फीजिबिलिटी स्टडी की जाएगी, जिसके बाद में हमें यहां पर यूपी गवर्नमेंट और सेंटर से अप्रूवल की जरूरत देखने को मिलेगी, जो प्रोबेबली यहां पर मिल जाएगी और हमें नोएडा के अंदर मेट्रो एक्सटेंशन होती हुई नजर आएगी। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी से रिलेटेड, जिन्होंने लॉन्च किया है इनिशिएटिव क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चैलेंजेस को फेस करने के लिए, और ये
बेसिकली हिंदू कुश हिमालयन रीजन के अंदर किया जाएगा। तो बेसिकली अफगानिस्तान से लेके म्यांमार तक का जो ये हिमालयन रीजन है, यहाँ पर 75% ग्लेशियर्स लूज होने के चांसेस आने वाले कुछ समय में। तो ये जो लोन दिया जाएगा ये बेसिकली इंडिया के कुछ एरियाज नेपाल भूटान इनको मदद करेगा, जो अलग अलग हजार्ड्स आते हैं इसकी वजह से, चाहे लैंडस्लाइड्स हो, अर्थक्वेक्स हो, फ्लड्स वगैरह हो, इन चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों को सही करने के लिए रिवर बेसिन को प्रोटेक्ट करना, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स बनाना, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज बनाना, ये चीज़ें यहाँ पर की जाएगी। और साथ साथ फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी, जो इन चीज़ों को डायरेक्टली और खराब ना करे। आज के आस्क पीटी सॉल के बारे में बात करें तो अभिमन्यु नाथ पूछते हैं, व्हाई जायंट सेमीकंडक्टर कंपनीज आर सेटिंग अप ओनली रिसर्च सेंटर्स इन इंडिया बट नॉट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। तो देखो यार, जब हम कोई थ्री पीस सूट पहनते हैं, ब्लेजर पहनते हैं, तो जो फाइनल कोट होता है ना, वो सबसे पहले नहीं पहनते, पहले हम चड्डी बनियान पहनते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे जो है पूरे कपड़े पहने जाते हैं, लास्ट में जो है वो टाई और जो मेन जो अट्रैक्शन होता है थ्री पीस सूट का, जो जैकेट होता है, जो ब्लेजर होता है, वो लास्ट में पहना जाता है। अब सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बोलो या पूरे की पूरे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर बोलो, चीज़ें डायरेक्टली नहीं होती। मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाया था जिसके अंदर आप में से कई लोगों ने रिस्पॉन्स भी अच्छा दिया था, जिसका टाइटल ही ये था कि हम एक्चुअल में असेंबलिंग कर रहे हैं या हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हमारे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत। और मैंने एक्सप्लेन किया था कि चाहे कोई भी दुनिया का देश हो, आप बिना असेंबलिंग से शुरुआत किए मैन्युफैक्चरिंग तक पहुंच नहीं सकते। कोई भी देश जो है वो पूरी की पूरी सप्लाई चेन एक झटके में नहीं बना सकता। और ये भी उसके अंदर वीडियो में डेमोन्स्ट्रेट किया था कि कैसे हमारे देश के अंदर एक लेवल पे बहुत बड़ी असेंबलिंग होती थी, लिटरली 5-10% पार्ट इंडिया में बनते थे, डब्बा चार्जर वगैरह, स्पेशली स्मार्टफोन्स के मामले में, जबकि आज के डेट में 40-60% और कुछ कुछ केसेस में 80% चीजें जो है वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड एंड सोर्स होती है, तो उसको असेंबल बोल नहीं सकते। कार्स के बारे में भी हमने बात की थी कि कैसे इंडिया के अंदर पूरे के पूरे CBO यूनिट्स आते थे, फिर उसके बाद में CKD या कम्प्लीटली नॉकडाउन यूनिट्स आना शुरू हुए, और आज के डेट में ना सिर्फ हम अपनी पूरी की पूरी कार डेवलप करते हैं जिसके अंदर 98% तक सप्लाई चेन इंडिया का होता है, और हम उन्हें एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो सेम चीज़ सेमीकंडक्टर्स के लिए भी जाती है, और सेमीकंडक्टर्स तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्री है। यहाँ पर दुनिया के अंदर हैंडफुल फैब्रिकेशन यूनिट्स है, इंडिया के अंदर कोई क्यों $50-60 billion इन्वेस्ट करेगा फैब बनाने के लिए डायरेक्टली, इंडिया के डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़ के ऊपर पहले इन्वेस्ट करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। इंटेल, AMD जैसी कंपनीज ने, NVIDIA ने कहा है कि वो यहाँ पर पैकेजिंग टेस्टिंग जो बने हुए चिप्स होते हैं उनको यहाँ पर पहले वो उस हिसाब से शुरू करेंगे। अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन के अंदर की, तो वो होने के बाद में हमें हो सकता है कि जो एकदम बहुत ज़्यादा हाई नैनोमीटर वाली चिप्स होती है उनका मैन्युफैक्चरिंग देखते मिले, जिसके ऊपर भी कुछ लेवल पे काम चल रहा है। और जैसे जैसे इंडिया के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इंडिया के अंदर स्किल्ड मैन पावर डेवलप होती है, इंडिया के अंदर जो है एक कॉन्फिडेंस आता है, इंडिया के अंदर जो है कहीं ना कहीं कंपनीज इन्वेस्ट करने के लिए एक बेहतर तगड़ी सप्लाई चेन भी दिखती है, क्योंकि सेमीकंडक्टर कंपनीज भी जीरो से नहीं बनाती, उनको भी सप्लाईज की जरूरत है जो चीज़ें प्रोवाइड करिए। ये सब होने के बाद में हमें फैब्रिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स देखने को मिलेगी, और ये चीज़ बहुत दूर है। 8-10 साल तो मिनिमम पकड़ के चलो कोई भी बेसिक यूनिट बनने के लिए, उसके पहले जो रिसर्च है, डेवलपमेंट है, पैकेजिंग है, टेस्टिंग है, इन चीजों के ऊपर ही गवर्नमेंट के द्वारा और कंपनीज के द्वारा काम हमें होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो, और मिलेंगे अगले वीडियो में। साथ साथ मेरे अकाउंट को आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहां पर मैं बहुत ज्यादा टाइम पास करता हूं, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो। साथ साथ अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो नोटिफिकेशन ऑन करना, क्योंकि इंफ्रा न्यूज़ ऑलमोस्ट रोजाना आती रहती है। साथ साथ अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो सुपर थैंक्स देना नहीं भूलना, और मिलेंगे अगले वीडियो में।